राजस्थान सरकार में चल रहा विवाद सुलझता नहीं दिख रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक इच्छा ने अब मंत्रिमंडल पुनर्गठन की राह में रोड़ा अटका दिया है। मुख्यमंत्री गहलोत मंत्रिमंडल पुनर्गठन नहीं चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार वे सिर्फ मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहते हैं। वहीं पार्टी आलाकमान की इच्छा कुछ और है। वे खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों की छुट्टी कर फिर एक बार मंत्रिमंडल पुनर्गठन के पक्ष में हैं। गांधी परिवार के दो करीबी नेता अजय माकन और केसी वेणुगोपाल राजस्थान कांग्रेस के संकट को अपने तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं सुलझा पाए। अब इस विवाद को सुलझाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कमान अपने हाथ में ले ली है। सोनिया गांधी ने हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा को अपने विशेष दूत के रूप में जयपुर भेजा। शैलजा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से एक गोपनीय मुलाकात के बाद दिल्ली लौट गई। दरअसल कुमारी शैलजा को इसलिए भेजा गया था क्योंकि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को गहलोत को मंत्रिमंडल पुनर्गठन के लिए मनाने में कामयाबी नहीं मिली थी। कुमारी शैलजा सोनिया गांधी की नजदीकी हैं। वे सोनिया गांधी का विशेष संदेश लेकर आईं। सोनिया गांधी चाहती हैं कि 5 अगस्त को उनके विदेश दौरे से पहले गहलोत मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कर दे, पायलट कोटे से तय विधायकों को मंत्री बना दे। लेकिन कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि गहलोत ने शैलजा से भी साफ कह दिया है कि पुनर्गठन के बजाय वे मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहते हैं, यानी मंत्रिमंडल में 9 सीटों पर नए मंत्री बनाना चाहते हैं, किसी को हटाना नहीं चाहते। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री गहलोत ने कुमारी शैलजा के सामने विस्तार के लिए एक शर्त रखी है कि सचिन पायलट को पहले राजस्थान से बाहर भेजा जाए और उन्हें किसी दूसरे राज्य की जिम्मेदारी दी जाए, उनका सीधा दखल ना हो। वहीं दूसरी तरफ खबर है कि सचिन पायलट ने पुनर्गठन जल्दी कराने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शैलजा से कहा कि जब सरकार अच्छा काम कर रही है तो मंत्रिमंडल का पुनर्गठन की जरूरत क्यों है। वहीं कुछ मंत्री जिनका नाम सामने आ रहा है, उन्होंने अनौपचारिक तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि किसी को नहीं हटाया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच राजस्थान में कांग्रेस का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि सचिन पायलट ने राहुल गांधी का ऑफर भी ठुकरा दिया है। सचिन पायलट को केंद्रीय टीम में जगह देने का ऑफर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सहमति से हुआ था। दरअसल पिछले दिनों अजय माकन ने राजस्थान की गुटबाजी खत्म करने का एक फार्मूला तैयार किया था। इसके तहत अशोक गहलोत की कैबिनेट का फेरबदल किया जाना तय था। इस फेरबदल में कुछ मंत्रियों से इस्तीफा दिलाकर उनकी जगह नए मंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। सचिन पायलट के करीबी 4 विधायकों को अशोक गहलोत सरकार में मंत्री और साथ ही कुछ विधायक निगमों की जगह मिलना था और सचिन पायलट को केंद्रीय राजनीति में आने का प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन सचिन पायलट को केंद्रीय टीम में जगह देने का ऑफर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सहमति से दिया गया था, लेकिन सचिन पायलट ने यह ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि सचिन पायलट को लगता है कि अगर एक बार राजस्थान से बाहर चले गए तो प्रदेश की राजनीति में उनका कद छोटा हो जाएगा और संगठन के ऊपर से उनकी पकड़ भी कमजोर हो जाएगी। नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष की मांग कर रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत इसके लिए तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।